हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं थोड़ा तो स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच। इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स आप जनरल इंग्लिश का जिहड़ा कि टॉपिक हैगा नो सुनर, नो सुनर ते दैन ए यूज़ करना अपने, ठीक है। जिवें तुहानू आउंदा हुंदा है रिमूव टू ते यूज़ टू, है ना, टी डबल्यू टू रिमूव करना और यूज़ करना, ये आपां ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड कीती हुई ने, ते मैं इस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स के पिन कर दूंगी, ठीक है। तो उस तरीके अपने जिहड़े कि नो सुनर यूज़ करना ते दैन यूज़ करना ते इनू हटा के आपां एज़ सुन एज़ भी यूज़ करना सीखांगे इस वीडियो, ठीक है। सो वीडियो एंड तक देखना ते वध तो वध शेयर करना, बहुत ही ज़्यादा ईजी ढंग दे नाल मैं तुहानू दसूँगी, तुहानू मिनटां दे विच जिहड़े कि यह टॉपिक लर्न हो जाना। हाँ जी, अपने नो सुनर, नो सुनर मतलब कि जिमें कि, ठीक है, तो मतलब हो जिमें कि, ये अपने नो सुनर ते दैन यूज़ करना, ये जेड़ा भी तुहानू संटेंस उत्थे दिता जाऊगा, ठीक है, एग्जाम दे विच उहदे विच तुसी देखना भी एज़ सुन एज़ जिथे लिखा होया उसकी थां ते तुसी की लिख देना नो सुनर, उसकी थां ते तुसी की लिख देना नो सुनर डिड, ठीक है। फिर उस तो बाद सबजैक्ट ओवें लिख लेना एज़ इट इज़ जो भी हैगा, फिर उस तो बाद सबजैक्ट तो बाद जिहड़ी वर्ब है एक्शन वर्ब, ठीक है, उहनूं तुसी फस्ट बना देना, ठीक है, उहनूं फस्ट फॉर्म बना देना, वर्ब फस्ट बना देनी है क्योंकि जो आप डिड यूज़ करते हों तो वर्ब की फस्ट फॉर्म लगाने होंगे, ठीक है। दैन उस तो बाद जिते तुसी कॉमा देखोगे कॉमा की थान पर की लिख देना दैन टी एच ए एन दैन उत्थे दैन लिख देना, दैन उस तो बाद फिर जिहड़ा कॉमा तो बाद जिहड़ा भी तुहाडा सेंटेंस दिता होगा उन्हें एज़ इट इज़ लिख देना, ठीक है, उहदे विच कोई वर्ब नहीं तुसी चेंज करनी उन्हें एज़ इट इज़ लिख देना, ठीक है। हुण आपां करदे हां जिवें कि है फस्ट तुहाडा एज़ सुन एज़ ही सा अ लाइन ही विगेन सबड्रिंग विद फीयर, तो इनू आप लिखांगे, ठीक है, एज़ सुन एज़ की थान पर की लिखा जाऊगा नो सुनर, ठीक है, नो सुनर डिड, उस तो बाद सबजैक्ट ही दा ही, ठीक है, वर्ब तुहानू की कहा फस्ट बनाउणी आ सा, ठीक है, इहदी फस्ट की हुंदी है सी, सी सा सीन हुंदी हुंदी है, ठीक है, फस्ट की है सी, सी अलवाइन कॉमे की थान पर आपां दैन दैन यूज़ करना दैन, ठीक है, उस तो बाद एज इट इज़ लिख देना दैन ही विगेन सो ड्रिंग विद फीयर, ठीक है, एज इट इज़ लिख देना, देखो ये बनाया हुआ भी है, एज सुन एज थान से की आ गया नो सुनर डिड, उस तो बाद सबजैक्ट ओमी आ गया ही सैकेंड सा सैकेंड फॉर्म से इनू बनाता फस्ट सी, ठीक है, अलवाइन कॉमे हटा के दैन, ठीक है, मतलब कि कॉमा रिमूव करके उसकी थान पर अपने की लिखता दैन दैन ही विगेन बाकी सारा एज इट इज़ ओमी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है ये। उस तो बाद सैकेंड सैकेंड ये जो सारे सेंटेंस तुसी रिवाइज़ कर लोगे फिर तो हमें होर भी ज़्यादा ईजी लग जाना, ठीक है। हाँ जी, एज सुन एज आई स्टैप्ड आउट ऑफ माई ऑफिस इट स्टार्टड रेनिंग हैवली, जिवें ही मैं अपने पैर जिहड़े कि ऑफिस तो बाहर पुट्टे, ठीक है, मतलब कि मैं तुरया चलिया, ठीक है, जदे ही बहुत भारी वर्खा जिहड़ी कि शुरू होगी, ठीक है, बारिश शुरू होगी, तो ये एज सुन एज की थान पर की लिख देना नो सुनर डिट सबजैक्ट ओमी आई, ठीक है, स्टैप्ड वर्ब की सैकेंड फॉर्म लगी इन फस्ट बना देना स्टैप आउट ऑफ माई ऑफिस, उस तो बाद कॉमे थान पर की लिखता दैन, फिर उस तो बाद इट स्टार्टड रेनिंग हैवली सेम एज इट इज़ लिख देना, ठीक है, जिहड़ा सैकेंड सेंटेंस आता कॉमे तो बाद एज इट इज़ लिख देना सेम, उस कोई चेंज नहीं करना, बस कॉमे की थान पर की लिख देना दैन, ठीक है, दैन तो बाद एज इट इज़ सेम सिमिलर लिख देना, ठीक है, बस स्टार्टिंग तुसी की करना नो सुनर डिड यूज़ कर लेना, ठीक, तो जिहड़ी वर्ब है स्टार्टिंग दे विच दित्ती हुई है उन्हें सैकेंड तो की बना देना फस्ट बना देना, ठीक है। हाँ जी, नैक्सट है हर्डली Had he finished his work when his boss gave him another work? तो ये भी नो सुनर यूज़ करना, तो ये आप स्टार्टिंग दे विच की लगा देंगे, ठीक है, ये हर्डली की थान पर हर्डली थान पर की आजगा एज सुन नो सुनर, ठीक है, इतने पहले अपन एज सुन एज लिखा हुआ होंगे हूँ इतने हर्डली वर्ड यूज़ किया हुआ, तो ये थान पर भी आप लिख देंगे नो सुनर डिट फिर ही, ठीक है, हर्डली हैड की थान पर अपन की यूज़ करता नो सुनर डिड फिर ही फिनिश्ड की थान पर आजगा फिनिश हिज वर्क, ठीक है, वैन की थान पर की आजगा दैन वैन की थान पर की आ गया दैन दैन हिज बॉस गिव हिम अनदर टास्क, बाकी सारा उमी आ गया हर्डली हैड की थान पर आ गया नो सुनर डिड, ठीक है, ही उमी आ गया फिनिश्ड की थान पर वर्क की फस्ट फॉर्म फिनिश वैन की थान पर आजगा दैन।
हाँ जी, अगे है एज सुन एज द सन रोज द क्लाउड्स डिसपेयर्ड, तो ये एज सुन एज की थान पर की यूज कर देना नो सूनर डिड, ठीक है। उस बाद सब्जेक्ट हैगा द सन, उवें लिखे द सन, रोज की फस्ट फॉर्म आएगी राइज, ठीक है। उस तो बाद कॉमा वो थान पर क्या आ गया दैन, बाकी सारा एज इट इज़ उवें लिख देना। बहुत ज़्यादा ईजी है ये, जिमें रिमूव टू बहुत ज़्यादा ईजी है ना, सेम एज इट इज़ ये भी बहुत ज़्यादा टॉपिक ईजी है। हुण आपां कर रहे हैं नो सुनर यूज़ करना ये विच, ते फिर आपां देखांगे भी नो सुनर रिमूव करके उसकी थान पर एज सुन एज किवें लिखना। हाँ जी, अगे है एज सुन एज द मून रोज द स्टार्स डिसपेयर, ये थान पर नो सुनर, एज सुन एज की थान पर क्या आ गया नो सुनर डिड, द मून उमी आ गया सब्जेक्ट, रोज की आ गया राइज, फिर कॉमे दैन बाकी सारा उमी। नेक्स्ट है एज सुन एज ही सा द टाइगर ही टुक टू हील्स, तो यदि थान पर एज सुन एज की थान पर की आ जूगा नो सुनर, नो सुनर डिड, सब्जेक्ट उमी ही, सा द फस्ट फॉर्म सी द टाइगर, उस तो बाद कॉमे थान पर आ गया दैन, ठीक है, कॉमा जो यूज़ किया उसकी थान पर आ गया दैन, उस तो बाद ही टुक टू हील्स, मतलब कि सिर्फ तुसी जिहड़ी तुहाडा फस्ट सेंटेंस एज सुन एज तो बाद जिहड़ी वर्ब दित्ती हुई है सैकेंड उहनू फस्ट बनाउणा, जिहड़ा कॉमे तो बाद वाला सेंटेंस हो उहदे विच जिहड़ी भी वर्ब लगी हुई है चाहे फस्ट सैकेंड जो भी लगी हुई उहनू एज इट इज़ लिख देना। अगे है एज सुन एज हिज एग्जामीनेशन स्टार्टड ही स्टार्टड राइटिंग द आंसर्स, ते इहदे विच नो सुनर, एज सुन एज थान ते आ गया नो सुनर डिड, उस तो बाद सब्जेक्ट हैगा हीज एग्जामीनेशन उमी आ गया, स्टार्टड की थान पर आ गया स्टार्ट, फिर कॉमे थान पर आ गया देन, ठीक है, ही स्टार्टड राइटिंग द आंसर। नेक्स्ट नंबर एट, एट दे विच है एज सुन एज द रेफरी ब्ल्यू द विस्टल द एथलीट्स स्टार्टड रनिंग, तां एज सुन एज की थान पर की आ जूगा नो सुनर डिड, द रेफरी उमी आ गया सब्जेक्ट, ब्ल्यू दी आ गया ब्लो फस्ट फॉर्म क्योंकि सैकेंड है दी फस्ट बना देनी है, द विस्टल कॉमे थान पर क्या जूगा देन, द एथलीट्स स्टार्टड रनिंग। नेक्स्ट हैगा एज सुन एज द यंग मैन सेंस्ड ट्रबल ही डिसपेयर्ड, तो ये आ जूगा नो सुनर, एज सुन एज की थान पर क्या आ गया नो सुनर डिड, सब्जेक्ट द यंग मैन उमी आ गया, द यंग मैन सब्जेक्ट, सेंस्ड लिखा गया सेंस ट्रबल, उस तो बाद देन ही डिसपेयर्ड। हाँ जी, अगे है भी है एज सुन एज, एज सुन एज की थान पर आ जाएगा नो सुनर डिड ही सब्जेक्ट आ ले लाए, ठीक है, ऑन द बैड कॉमा ये थान पर आ जाएगा देन, द पोस्टमैन रैंग द वैल डोर बैल। नेक्स्ट है 11, एज सुन एज सर रोजर कम ही कॉल्ड फॉर वैक्स कैंडल्स, तो ये आ जाऊगा एज सुन एज की थान पर आ जाऊगा नो सुनर डिड सर रोजर, ठीक है, सब्जेक्ट कम, कम दी आ जाऊगा कम केम, कम इतने थर्ड फॉर्म यूज कर रखी है तो ये फस्ट कम ही होंगी है क्योंकि कम सैकेंड केम होंगी है, ठीक है, कम उस तो बाद फिर कॉम इतने दैन ही कॉल्ड फॉर वैक्स कैंडल्स। नैक्सट है नंबर 12, एज सुन एज, एज सुन एज की थान पर की आ जाऊगा नो सुनर डिड ही साध की आ जाऊगा सी हीज फ्रेंड्स वर्न हाउस, कॉमे की थान पर आ जाऊगा दैन ही ब्रस्ट इन टू टीयर्स, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ईजी है। हुण आपां करदे आ रिमूव करना, नो सुनर रिमूव करना ते दैन रिमूव करना, उहदी थान ते तुसीं की लिखना एज सुन एज, ठीक है। आपां हाँ जी रिमूव, जिवें आपां रिमूव टू करते हुंदे ना एवें रिमूव करना, नो सुनर ते दैन रिमूव करना, उहदी थान ते आपां ने की लिखना रीराइट एज सुन एज, एज सुन एज दे नाल तुसीं अपना सेंटेंस बनाउणा, इहदे विच जिथे भी नो सुनर डिड लिखा होया नो सुनर डिड दी थान ते तुसीं की लिख देना एज सुन एज, एज सुन एज ये लिख देना, उस तो बाद सब्जेक्ट उवें लिख देना जिहड़ी वर्ब उत्थे दित्ती भी होगी फस्ट, फस्ट दी तुसीं की बना देनी फस्ट वर्ब तो की बना देनी है सैकेंड वर्ब, सैकेंड फॉर्म वर्ब बना देने, तो जिथे दैन वर्ड यूज़ किया होगा उसकी थान तुसीं लिख देना कॉमा लिख लो, कॉमा पा देना, ठीक है, बाकी फिर सैकेंड वाला जिहड़ा सेंटेंस आ दैन तो बाद उहनू सेम एज इट इज़ लिख देना। जिवें हुण आपां इहदे विच देखो नो सुनर डिड आई हीयर ऑफ हिज सक्सैस दैन आई कंग्रेचुलेटेड हिम, तो ये आ जाऊगा नो सुनर डिड की थान पर की आ जाऊगा एज सुन एज आए, फस्ट फॉर्म बनाई हुई है यदि सैकेंड हीयर ऑफ हिज सक्सैस दैन की थान पर आ जाएगा कॉमा आई कंग्रेचुलेटेड हिम, सेम एज इट इज़।
ठीक है। नेक्स्ट है नो सूनर डिड, नो सूनर डिड की थान पर की आ जूगा एज सून एज ही ओम ही आ जूगा। स्टार्ट वर्ब की फस्ट फॉर्म दिती हुई है, फस्ट तो की बना देना सैकेंड, तो यह थान पर की आ जूगा वर्ब की सैकेंड फॉर्म स्टार्टड हिज बाइक, दैन की थान पर आ जूगा कॉमा, दैन द पेट्रोल फिनिश्ड इन द फ्यूल टैंक। मतलब कि जो तुम नो सूनर डिड न हटा, ठीक है, वो थान पर जो एज सून एज, एज सून एज लिखना तो वर्ब की सैकेंड फॉर्म लिखनी है स्टार्टिंग, ठीक है, वर्ब की सैकेंड फॉर्म लिखनी है। फिर उस तो बाद दैन न हटा के कॉमा यूज़ करना, फिर जरा दैन तो बाद वाला सेंटेंस एज इट इज़ लिख देना, उस कोई चेंज नहीं करना। तो जो तुम नो सूनर यूज़ करना, नो सूनर, नो सूनर जो तुम यूज़ करना तो जिथे एज सून एज लिखा वा होंगे, एज सून एज लिखा वा होगा वो थान पर नो सूनर डिड तुम यूज़ कर देना, सब्जैक्ट ओमी लिख लेना जोड़ा भी हैगा। उस तो बाद जी वर्ब सैकेंड दत्ती होंगी सैकेंड तो की बना देना फस्ट बना देना, क्योंकि जो डिड यूज़ करते हैं पास्ट इनडेफिनेट के जो आप डिड यूज़ करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो वर्ब की फस्ट फॉर्म बनाने होने उम्मीद याद रखना, ठीक है। फिर वर्ब की फस्ट फॉर्म कर देनी है, फिर जिथे कॉमा दिता हुआ वो थान पर दैन लिख के बाकी जरा सारा पिछे जो बैक के सेंटेंस एज इट इज़ लिख देना, कॉमे तो बाद वाला सेंटेंस एज इट इज़ लिख देना, वो कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। तो थर्ड है अगे, थर्ड के है नो सूनर डिड, नो सूनर डिड की थान पर की आजगा एज सून एज आई लर्न, लर्न की सैकेंड फॉर्म लर्नड, लर्नड ऑफ हीज इलनैस, दैन की थान पर आ जाएगा कॉमा आई टुक हिम टू द डॉक्टर, टुक हिम टू द डॉक्टर, ठीक है, सेम एज इट इज़ लिखा जाऊगा, दैन की थान पर कॉमा लिखने तो बाद जोड़ा बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ लिख देना, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। एज सून एज ते नो सूनर इन्हों का मतलब की होंगे भी जिमें ही, ठीक है, भी एज सून एज जिमें भी मैंने पता लगे भी उन्होंने ये बीमारी का, ठीक है, मैं उन्होंने डॉक्टर को लैके गया। अगे है नो सूनर डिड, नो सूनर डिड की थान तो की यूज़ कर देना एज सून एज, सब्जैक्ट उमें ही सी दी की बना देनी है, जो एज सून एज यूज़ करना तो वर्ब की सैकेंड फॉर्म, ठीक है, तो यदि थान पर सी दी सा द लवाइन दैन की थान पर कॉमा, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़, ठीक है। सो ये थोड़ा रिमूव नो सूनर तो यूज़ नो सूनर, बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है, ठीक है। आई होप थानू चंगे ढंग समझ लग गई होनी, क्योंकि बहुत ही अपने तहूँ ईजी वे समझाया, थैंक्स।